आप देख रहे हैं वेद संसार। दोस्तों, हम सभी अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने तुलसी के महत्व को जानने की कोशिश की है? यूँ तो आपने तुलसी को घर के आंगन में, बालकनी, छत या फिर बगीचे में देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई गुणों से भरपूर तुलसी के पौधे को आखिर किस दिशा में रखना शुभ होता है और कौन सी तुलसी के लिए गलत जगह है? तो दोस्तों, आज वेद संसार आपको बताएगा कि घर में तुलसी को रखने की सही दिशा, जिससे शुभता बढ़ेगी और दोष दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तुलसी के पौधे को भूलकर भी कभी दक्षिण दिशा में नहीं रखें। जान लें कि तुलसी किसी अन्य ऐसे स्थान पर ही रखें जिससे वह घर में किसी से भी ना टकराने पाए। हमारे कहने का मतलब है कि तुलसी का पौधा हमेशा एकांत में ही होना चाहिए। तुलसी देती है मुसीबत के संकेत, तो आइए जानते हैं कैसे। तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है तो याद रखें कि वह आपको हर आने वाली मुसीबत से पहले ही सचेत कर देगा। वहीं अगर भविष्य में आप पर कोई विपत्ति भी आने वाली हो तो तुलसी का पौधा अपने आप सूखने लग जाता है और फिर इसका रंग बदलने लग जाता है। यही नहीं, आप पर किसी ग्रह का अशुभ प्रभाव पड़ रहा हो तो भी तुलसी का पौधा रंग बदल देता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बुध जो है वह सभी ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव को जातक तक पहुंचाता है। उसका प्रभाव हरे रंग पर होता है। यह सत्य है कि अगर आप पर कोई विपत्ति आने वाली होती है तो वह पौधा सूखने लग जाता है, और यदि शुभ प्रभाव होता है तो हरा भरा हो जाता है। आगे हम बात करेंगे तुलसी के 5 चमत्कारिक उपायों के बारे में। दोस्तों, क्या आपकी संतान आपका कहना नहीं माना करती है? तो ऐसे में आप तुलसी के पौधे को पूर्व दिशा में रख दें। वह साथ ही तुलसी के पौधे में से 3 तुलसी की पत्तियां रोजाना अपने बच्चे को किसी न किसी रूप में जरूर से खिला दें। ऐसा करने से आपको चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेंगे और आपकी संतान आपकी बात सुनने व समझने लगेगी। इस बात का खास ध्यान रखें कि मंगलवार और रविवार के दिन तुलसी का पत्ता गलती से भी ना तोड़ें। अगर आपकी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है और आप इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं तो घबराइए नहीं, बल्कि आप अपनी बेटी से तुलसी के पौधे का यह उपाय जरूर करवाएं। बता दें कि विवाह योग्य कन्या से रोजाना तुलसी के पौधे को जल अर्पित करवाने के पश्चात तुलसी के पौधे की 5 परिक्रमाएं भी करवाएं। श्रद्धा एवं विश्वास के साथ इस उपाय को करने से निश्चित रूप से मां तुलसी की कृपा आप पर जरूर होगी और शीघ्र ही विवाह संपन्न हो सकता है। दूसरी ओर, अगर आपका कारोबार मंदा चल रहा है या फिर व्यापार में अक्सर परेशानियां ही आ रही हैं तो पश्चिम दिशा में रखे तुलसी के पौधे को शुक्रवार के दिन कच्चा दूध अवश्य अर्पित करें और मिष्ठान का भोग भी लगाएं। ध्यान रहे कि श्रद्धा एवं विश्वास के साथ इस उपाय को करने से व्यापार में उन्नति जरूर होती है। आए दिन अगर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और हर समय कलह का वातावरण बना रहता है तो आप उससे दूर करने के लिए अपने घर की रसोई के आसपास तुलसी का गमला स्थापित कर लें। इस उपाय को आजमाने से आपको चमत्कारिक लाभ देखने को निश्चित ही मिलेंगे। वहीं बताते चले कि अगर कभी आपको ऐसा आभास हो कि आपका घर किसी प्रकार के वास्तुदोष से ग्रसित है तो आप तुलसी के पौधे के साथ शालिग्राम को भी स्थापित कर लें और फिर पंचामृत से उनका रोज पूजा करें। यह खास उपाय रामबाण साबित होगा और घर में मौजूद सारे वास्तुदोष दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने तुलसी के गुणों के बारे में जाना, दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।